सचिन भाई, आज जो है 45 जो है कांग्रेस का यूथ जो है कमेटी की तरफ से आज क्या प्रोग्राम आप लोग पकड़े हैं? हम लोग के कांग्रेस प्रादिवाम समर्थित कांग्रेस पार्टी प्रदीप भट्टाचार्य जी उत्तर कोलकाता से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में हम सभी वार्ड 45 के यूथ जितने भी हैं सभी लोग संतोष पाठक के नेतृत्व में डोर टू डोर कैंपेनिंग किए, जो आज हम लोग चीना बाजार के सामने स्वेलो लेन में किए हैं। आप लोग जो है कितने दिनों से डोर टू डोर कर रहे हैं? तकरीबन 5-6 दिनों से कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम लोग कैंपेनिंग मिड सीट कॉर्नर मीटिंग में बिजी थे जी। अभी फिलहाल हम लोग जब अंतिम चरण आ गया तो हम लोग का प्लान हुआ कि नहीं पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, वार्ड के बीच में, क्योंकि यही वार्ड हम लोग का इज्जत बचा के, यही जनता हम लोग इज्जत बचा के रखा हुआ है। तो अभी तक जो है कितना परसेंटेज आप लोग कर चुके, कितना पार्ट में कर चुके हैं वार्ड 45 में? 60% कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा, 40% बाकी। अच्छा सचिन भाई, अभी ये देखा गया है कि हाल फिलहाल में जो है ना कुछ जो है कांग्रेस के वर्कर्स जो है TMC को ज्वाइन किए, इस बारे में आप अपना रिएक्शन क्या दीजिएगा? संतोष पाठक को उन लोगों को छोड़ के जो है वार्ड 45 का जाके TMC को ज्वाइन किए, इस बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, जिसको जाना है जाता रहेगा। बहुत लोग हीरे का पहचान नहीं होता है, लोग पहचान नहीं पाते लोग को। अब लोग सोचेंगे कि हर काम संतोष पाठक ही करके देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं ना, उनके घर में रोटी भी वही पहुँचाएंगे और बोलेंगे मकान भी हमें खरीद कर दे देंगे, तो वो तो नहीं करेंगे ना। जितना उनसे होता है उससे ज़्यादा ही करके देते हैं और ये पूरा वार्ड ही जानता है। इसीलिए 20 साल से काउंसिलर है, उसके पहले बहुत लोग काउंसिलर है, लेकिन 20 साल जो काउंसिलर थे उन लोग को समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं शायद उनको पहचान नहीं हुआ अभी तक पाठक जी, किसी लोग छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पार्टियों में जो कार्यकर्ता होते हैं ना उनका आना जाना लगा रहता है, और आप बता रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़ के TMC में चले गए, तो हम बता दें आपको कि 62 नंबर वार्ड में शना अहमद के साथ में रहने वाले इकराम भाई जो हैं 500 से 1000 कार्यकर्ता को लेके, TMC कार्यकर्ता को लेके कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किए। तो ये जो कार्यकर्ता है ना वो इधर उधर आना जाना उनका लगा हुआ है, और जो अपने इच्छा से हृदय से जो पार्टी को मानते हैं ना वो कभी इधर उधर नहीं जाते, तो उनका आना जाना से कोई खास बदलाव नहीं होता। कुमार पाठक एक व्यक्ति अच्छे इंसान हैं, सामाजिक सेवा करते हैं। हमारे वार्ड में किसी भी लोगों का तकलीफ होता है लोग वहाँ जाते हैं, उनकी समस्या सुनी जाती है। आज की बात है कि आज हमारे फुल मार्केट से आज 100 से 150 हमारे उड़ीसा के पंडित लोग वहाँ पर रहते हैं घाट पर, उनको क्लब में पहुँचे, संतोष कुमार पाठक की मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे और सभी को समस्या सुने, और हमारे छोटे भाई को बोला गया सभी को पेपर को जुगाड़ करो, तो इस तरह का सभी को हम लोग समस्या को सुनते हैं। हमारे वार्ड के जितने भी जनता हैं सब संतोष कुमार पाठक जी को दिल से चाहते हैं, और दिल से चाहने के कारण ये है कि आज हमारे वार्ड में 20 साल से हमारे काउंसिलर हैं संतोष कुमार पाठक जी। अचिन भाई, आप लोग जो है पिछले जो है 4-5 दिनों से जो है डोर टू डोर कर रहे हैं, आपने प्रदीप भट्टाचार्य के बारे में यहाँ के वोटर्स को कहा, कैसा रिस्पांस रहा? रिस्पांस अच्छा ही मिल रहा है। अब पब्लिक इसको वोट देगा वो तो अब जानने नहीं जाएंगे ना, हम लोग का काम है अपील करना, लेकिन रिस्पांस अच्छा है। इसका रिस्पांस सारा चांस है कि हम लोग जीतेंगे,